السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to my channel. Finally, हम आ पहुंचे हैं फार्मर्स मार्केट बुधैया। ये सीजन पर खुलता है और ये खुल चुका है कुछ 2 हफ्ता पहले, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट पहुंचा हूँ यहाँ पर। आज यहाँ कवर करेंगे इनके पास क्या क्या है। यहाँ पर शॉपिंग बास्केट्स भी अवेलेबल है, इनका एक काउंटर है। यहाँ पर अपना CPR या ID कार्ड देना है, जब काम हो जाए जब रिटर्न कर सकते हैं और कार्ड वापस ले सकते हैं। ये पहली दुकान कवर कर रहा हूँ मैं। इनके पास भाजियों से लेके सब्जी तक सब कुछ है और ये सब लोकली ग्रोन है, यहीं पर उगा हुआ है यहाँ के खेतों में। और इनके रेट्स भी काफ़ी रीजनेबल है। खुशबू तो बहुत अच्छी है इसकी, टेस्ट भी मुझे लगता है मीठा होगा। ककड़ी देखने से ही अच्छी खासी लग रही है, ताज़ी और तंदुरुस्त। बैगन बहुत अच्छे हैं दिखने में, चमक रहे हैं। मेन चीज़ है मिर्ची। भुट्टा भी बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडी है, कोयले पे भून के खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पर चेरी टोमेटोज भी है जो बहुत रीजनेबल प्राइसेस में मिलते हैं। हाउ मच दिस वन माय फ्रेंड? 2 दिनार पर किलो। थैंक यू। तो यहाँ पर हॉर्स राइड भी है और पीछे छोटा सा जू भी है। यहाँ पर दुकान लगी है, ये लोग लोकल मसाले बेचते हैं। ताज़ा शहद चाहिए, यहाँ मिल जाएगा। यहाँ तो शहद की मक्खियाँ भी है। Can I taste please? Hello. Thank you. ताज़ा है इसलिए, नॉर्मल हनी नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है इसका। यहाँ पर ये शहद के प्राइसेस है, 14 दिनार किलो है, 10 दिनार, 6 दिनार और 4-5 दिनार। 4 दिनार से 14 दिनार के बीच में अलग टाइप के शहद है यहाँ पर। जो 14 दिनार का है ये नेचुरल ब्लॉसम है। ये जो कपड़े हैं जो लोग शहद निकालते हैं उनके लिए, सेफ्टी के लिए। बिल्कुल ताज़ा शलजम, सिर्फ 300 फिल्स में, कुछ 200 फिल्स में भी है। मूली भी है यहाँ पर। केल मिल गई है मुझे, पूरा साल ढूंढता रहा, लास्ट ईयर यहीं पर मिली थी, उसके बाद फिर यहाँ पर मिली है। 400 फिल्स ओनली। हाँ ओके, वंस आई फिनिश माई राउंड आई विल कम बैक टू यू। ओके थैंक यू वेरी मच। ये इसके शक्ल देख के लग रहा है कि ये लकड़ी से बना हुआ है। कुछ पेंटिंग्स भी हैं। हाई की आर्ट्स, ये वही लोग हैं जो लोग हमारे पुराने वीडियो में थे मरासी बीच पर, जब सी फेस्टिवल लगा हुआ था। यहाँ ये सब लकड़ी पर आर्ट्स बना हुआ है। और अगेन ये लोग वही लोग हैं जो मरासी में सी फेस्टिवल में थे, जिन लोगों ने डॉल्फिन बनाई थी मिट्टी पर। यहाँ पर केल है, ये 500 फिल्स की है। और वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाप्रिका है, साइजेस शेप्स एंड कलर्स। मैडम पपैया चाहिए? ये हट है जिसमें ये लोग, जिस तरह ये दिख रहा है, यहाँ पे बास्केट और मैट्स बनाते हैं ट्रेडिशनल तरीके से। बैरन में कहीं पर जाओ और हलवा श्वेतर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये हलवा एक्चुअली बनता है। वैसे हम आ गए तो ये तैयार था, इसलिए शूट नहीं कर पाए कि हलवा बनता कैसे। मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ हलवा।
फेवरेट हलवा अब जाने वाला है मुंह में। यम्मी। दूसरा हलवा जो मैंने मैडम को दिया है वो खाकर बताएंगे कैसा है। कैसा लग रहा है खाने में? अच्छा है। अच्छा है, मीठा है? मीठा है। ओके एंजॉय। वेजिटेबल टूर ख़त्म हो गया है, अब हम जा रहे हैं झाड़ों की तरफ। अगर कोई झाड़ लिए तो मैं नहीं पकड़ूंगा, खुद पकड़ना। ओके ओके सिर्फ पैसा तुम दे देना। मैं पर्स भूल गया गाड़ी में। छोटे छोटे फूलों से शुरू करते हैं। यहाँ पर इनके पास क्या है? हैंगिंग गार्डन, इनके पास भी फूल, इंडोर आउटडोर सब है। यहाँ पर सब रंग के गुलाब है, सफेद लाल तो नॉर्मल है। रिकॉर्ड हुई मैडम ना वापस ग्रोसरी सेक्शन में लेकर आ गए शॉपिंग करनी सब्जी की, जो कभी ख़त्म ही नहीं होती। ये हमारा पहला स्टॉप है, हम यहाँ से लेने वाले हैं टमाटर। बैग प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। कितना हो सकता है? एक किलो दो किलो? ये एग्जैक्टली एक किलो था और उसने हमको एक टमाटर फ्री भी दिया है। यहाँ पर कोरिएंडर, पार्सली, सुआ और स्वीट मेलन सब मिलता है। हम पहुँच गए झाड़ के सेक्शन। झाड़ झाड़ी झाड़। ओके फिर देखते हैं होता क्या है। हो गया झाड़ देख के। हाँ अभी क्या करना है? जू जा रहे हैं। जू? अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं जू। छोटा सा जू है, शुरू होते ही कब्बू है, कब्बू कबूतर है, टर्की है और पीकॉक है। डक्स भी है वहाँ पर, बकरे भी है, मुर्गियाँ भी रखी हुई है और अगर नज़र आ रहा है वहाँ पर एक छोटा सा अंडा भी है। और ये दूसरी टर्की है जो थोड़ी सी बड़ी है पहले वाली टर्की से, पहले वाली छोटी 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 है, ये लोग बड़े हैं। पोनी भी है इनके पास, दूसरे बकरे है यहाँ पर, गाय का बच्चा, कुछ खरगोश भी है यहाँ पर, यहाँ पर बटेर भी है या क्वेल, दोनों कलर में ब्राउन और वाइट। ओके जू का विजिट ख़त्म हो गया है तो यहाँ से निकलते हैं ऐसे बड़े से छोटे जू में जाके। बस घुसे थे और निकल गए। जानवर कैसे यहाँ पर? अच्छे अच्छे। कोई नवी चीज दिखी? मोर। मोर काफी माशाल्लाह हेल्दी मोर है, ये नाचेगा तो बहुत अच्छा लगेगा ऐसे। इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पर आज आके? बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा। क्यों? और झाड़ नहीं लो। हाँ तो ले लो, किसने मना किया है। अच्छा इन लोगों के पास यहाँ जितने भी टाइप के मैंगोज दिख रहे हैं सबके झाड़ रेडी है, ग्राफ्टेड है। कुछ 14 BD के, कुछ 7 BD के है। No, this will grow also. ये तैयार है, इसको ले जाके सिर्फ लगाना है गार्डन में। 1 meter. ये 1 meter से 5 meter तक उगते हैं। अलग अलग टाइप के मैंगोज है यहाँ पर इनके पास। How long will it take to come? अच्छा कितना टाइम मांगता 5 meter तक आने के लिए? दो साल तीन साल, 2 से 3 साल चाहिए। 2 to 3 years for it to grow 1 meter or at its highest height. यहाँ से मैंने लिया है खेल जो सिर्फ 5 rupees की है एक बंडल। थैंक यू वेरी मच। अच्छा ये जो कॉर्नर है यहाँ पे डिफरेंट टाइप की खजूर है, पूरा खजूर कॉर्नर है यहाँ पर।
ये दूसरी नई चीज़ है यहाँ पर जो ये मिट्टी के आर्ट एंड क्राफ्ट्स है। बच्चों के लिए फेस पेंटिंग है और यहाँ पर पेंट गैलरी लगी हुई है पीछे पेंटिंग्स की। और सैंड मॉडलिंग कर रहे हैं, सैंड में खेल रहे हैं। इसका 15 मिनट्स का 1 दिनार है, 15 मिनट्स का 1 दिनार, फेस पेंटिंग का 1 दिनार है। यहाँ पर है ना कॉर्नर भी है, कुछ ट्रंक बने हुए हैं, इन पे नाम लिखे, अपना नाम भी लिखा सकते हैं यहाँ पर। और फार्मर्स मार्केट के लिए लोग स्पेशल प्राइस दे रहे हैं। कैरिकेटर बनाना है तो ये भाई साहब के पास बैठ जाना, आपका कैरेक्टर बना के देंगे आपको कैरेक्टर अपना। थैंक यू। हमारी आज की फार्मर्स मार्केट की ट्रिप ख़त्म होते आई है, हुई है कि नहीं अभी तक? खत्म हो गई, हाँ अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, कंपेयरिंग लास्ट ईयर, ये सीज़न फार्मर्स मार्केट का कैसा लग रहा है? अच्छा है, थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है? सबकी जगह चेंज हो गई है। अच्छा, सबकी जगह चेंज हो गई। और कुछ नया? नई चीज़ें काफ़ी है। अच्छा, क्या नया दिखा यहाँ पर? खजूर का स्टॉल दिखा। ओके, एक पूरा कॉर्नर है इन लोगों ने बना रखा है खजूर के लिए, जहाँ पे खजूर के प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के खजूर है। और पेंटिंग है दो, हाँ पेंटिंग कॉर्नर है। बच्चों के लिए फेस पेंटिंग भी है और काफ़ी आर्ट्स एंड क्राफ्ट नए नए डाल रखे हैं यहाँ पर। इसी के साथ हमारा व्लॉग भी यहीं पे एंड होता है। इनके पास एक और सीज़न लगेगा, बेरी का सीज़न लगेगा, उस वक्त हम लोग आएंगे शूट करने के लिए। ऐसे तो हर हफ्ते आना होगा यहाँ पर, अगर कुछ नया दिखा कुछ शूट करके आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक और कमेंट। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।